आज जो जो लोग सोचे होंगे, मैं रवि को देख रहा हूँ सुबह से ही बैठा है, बहुत अच्छे क्लास का बिजनेस सुना, लेकिन अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया। और तो अजय सिंह को भी ऐसा हो गया कि हम नजदीक से इस मैच को आओ, साल भर नहीं रहते इतने प्रसन्न, अभी तो प्रसन्न नहीं रहते हैं, लेकिन आज मैच देख करके बहुत प्रसन्न है। और 3-1 का स्कोर है, मुजफ्फरनगर 3 और BNS की टीम 1 है, मुजफ्फरनगर 4 BNS 1, 4-1 का स्कोर। उत्साह का वाता श्री अनिल सिंह जी कुछ गाइड गाइडेंस देना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से उनके गाइड में फाइनल में मैच पहुंची है और इसका उन्हें श्रेय देना चाहिए। और क्या बात है, शाली हमारे जो पंच होंगे वो निश्चित रूप से शाली को कहीं ना कहीं सेलेक्ट करेंगे, इनके खेल का प्रशंसा करेंगे। हमें ऐसा लगता है जैसा कि सचिन जी बता रहे थे, अगर अपनी टीम के लिए कोई 2-4 का स्कोर और मुजफ्फरनगर कली और धैर्य का परिचय दिया तो काबिले तारीफ है। और मैं सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करते हुए ये गुजारिश करूंगा कि जब पुरस्कार वितरण समारोह होगा तो 5 मिनट के लिए आप रुकेंगे जरूर, और ताकि मैं कहना चाहूंगा कि उस समय खिलाड़ियों से चाहूंगा कि अपना 100% देने का काम करें। और हमारे आगे जो भाई बंद आए हैं वो चलते फिरते नजर आए ताकि हम भी पूरा मैच का आनंद लें। और बिल्कुल चरण बढ़ता होता है यह फाइनल मुकाबला, जो कि जो भी टीम 15 पॉइंट पहले अर्जित करेगी वही फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की जाएगी। बहुत शानदार यहाँ पर मुकाबला चल रहा है और यहाँ पर हाथी का भक्ति नारी की समय मुजफ्फरनगर की टीम 8 पॉइंट बनाकर शीर्ष पर बनी हुई है बजाय पीएस वारसी के। दोनों टीम के लिए तारीफ के पात्र हैं। Yeah.
सुशील तिवारी मुजफ्फरनगर यूट्यूब की टीम ने इस मैच को जीत लिया। यूट्यूब सुशील तिवारी मुजफ्फरनगर की टीम ने फाइनल मुकाबले को जीत लिया।